हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमा वर्ल्ड सिविल चैनल। आई एम प्रेम कुमार। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, अभी आज ही जारी हुआ है। तो यहाँ देखिए कौन सा एग्ज़ाम कब है। देखिए यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का डेट, रिजल्ट, फिर मेंस का डेट और रिजल्ट, और फिर इंटरव्यू का डेट सब दिया हुआ है। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा यह सब दिया हुआ है। तो एक तरह से टेंटेटिव ही होगा। देखिए 16 सितंबर को यह जारी किया हुआ है, टेंटेटिव लिखा भी हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया है कि इतना दिन में कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ लेक्चरर सिविल, फिर लेक्चरर सीएससी कंप्यूटर साइंस, फिर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर लेक्चरर इंग्लिश। तो जो जिससे अपने स्ट्रीम के हैं वो लोग अपना देख लेंगे। यहाँ देखिए लेक्चरर इकोनॉमिक्स हिंदी, फिर आपका केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, जियोलॉजी फिजिक्स मैथ्स एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ देखिए असिस्टेंट पब्लिक सैनिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो ये जो अभी आपको वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 286 पोस्ट निकला था, और उसका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का 12 नवंबर और 13 नवंबर को, 2 दिन एग्ज़ाम होगा, और रिजल्ट आपको जस्ट 1 मंथ बाद ये दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेंस है नहीं, तो ये इंटरव्यू है नहीं, तो एक ही एग्ज़ाम में आपको सीधे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और ये जस्ट एक मतलब कि 10 दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट, मतलब इस साल के लास्ट में आपके पास एक जॉब है। तो असिस्टेंट पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो भरे हों वो अपने तैयारी में लग जाए। चलिए बॉयलर इंस्पेक्टर का देख लीजिएगा, डेंटिस्ट का देख लीजिएगा, आईटी का देख लीजिएगा। यहाँ पे जो मेन मेन जो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा ये इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा आया था, मैकेनिकल का भी। तो यहाँ पे आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर का देख, ये वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का देख लिए, या फिर प्रिंसिपल का देख लीजिएगा, या प्रोफेसर, या आप प्रोफेसर मैकेनिकल, और ये सब शिक्षा पत्रकारिता का यहाँ देखते जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का निकला था तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑडिटर का भी आप लोग यहाँ देखिएगा कि कब से कब तक है, पूरा यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आर्ट्स एंड कल्चर वाला आया था, LDC का भी यहाँ देखिए, प्रधान शिक्षक का भी इतना सारा वैकेंसी आया था तो उसका भी दिया हुआ है। और अगले मंथ मतलब अगले साल के फर्स्ट मंथ में ही इसका पूरा फाइनल कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट है 68वां BPSC और 67वां BPSC। तो 67वां पहले डिस्कस करते हैं। तो 67वां BPSC जो है 802 पोस्ट के लिए आया, ये इसका फॉर्म डाला जा चुका है, इसका री एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पेपर लीक होने का कैंसिल हो गया था। तो 30 सितंबर को 2022 को ये एग्ज़ाम है, और इसका आपको प्री का रिजल्ट जो है आपको 14 नवंबर को मतलब कि 15 दिन में ये जारी कर देंगे। और आपका इसका मेंस जो है 29/12/2022 को हो जाएगा, और फिर इसका आपका 14 मार्च को इसका रिजल्ट मेंस का ला दिया जाएगा। फिर आपको जस्ट 15 दिन बाद उसका आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपको लास्ट मई में आपका ये रिजल्ट फाइनल कर दिया जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं 68 का जो अभी आने वाला है उसका वैकेंसी तो यहाँ नहीं दिया गया है, तो अच्छा ही वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये 8 जनवरी को इसका एग्जाम है। देखिए इसका सितंबर लास्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको 3 मंथ दिया जा रहा है, तो जनवरी में इसका फिर एग्जाम है। और देखिए यहाँ पे 29/12 को इसका मेंस है, और यहाँ 8 जनवरी को इसका प्री है। तो आप लोग इसमें बैलेंस बनाइएगा, बहुत ही मतलब कि एक कोलैप्स हो जाएगा। और देखिए इसका रिजल्ट हम लोग जस्ट 1.5 मंथ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्री का रिजल्ट आ जाएगा 68वां का। फिर आपको 8 अप्रैल को इसका जो है आपको मेंस होगा, ये मान लीजिए कि आपको 3 मंथ दे रहे हैं आप लोग, फरवरी मार्च, ये जनवरी पूरे मार्च अप्रैल में ले रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट शेड्यूल होगा। आप लोग अभी से मेंस का तैयारी कर लें, और हमारे चैनल पे बहुत सारा ये आपको तैयारी करने के लिए वीडियो डाला जाता है, आप लोग जरूर फॉलो करें। और देखिए ये आपका मेंस का रिजल्ट दे देंगे ये 22/6 जून को, और साथ साथ ये जुलाई में आपको इंटरव्यू ले लेंगे, और सितंबर में ये आपको ये फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो ये बहुत ही मतलब कि आप समझिए कि 8 मंथ में ये कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं, तो एक साल में तो करा ही लेंगे आई थिंक। तो ये बहुत ही अब फास्ट होने वाला है। देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो आया था उसका एग्जाम कब है, तो ये 29/10 को है, इसमें सीधे फाइनल रिजल्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए इसका मतलब कि एक ही बार में रिजल्ट निकल जाएगा। 13/10/14/10 को इसका एग्जाम है, 10 का मतलब ये अक्टूबर। चलिए यहाँ पे देखिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का ये है, आप देख लीजिएगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का फिर 192 सीट का था, तो उसका भी 10/10 को है, और 11/10 को मतलब कि अक्टूबर में, और इसका 26/10 को पूरा फाइनल रिजल्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा एक ही बार में। देखिए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी तरह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का आप लोग देख लीजिए, और फिर जुडिशियल का भी था, तो ये 6/12/2020 को इसका एग्जाम है, 7/2/2021 को इसको इसमें 2-3 मंथ ले रहा है, तो इसमें कर दिया जाएगा। CDPO का देखिए ये आपकी 15/5/2022 को एग्जाम हो चुका है, और 12/9 को इसका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी जस्ट आया था। आप लोगों ने देखिए लोग जो पास किए होंगे तैयारी करें। 8/11/2022 मतलब कि आपको ये नवंबर में एग्जाम होगा, और 8 और 9 नवंबर को, और 9 दिसंबर को इसका जो है आपको रिजल्ट दे देंगे मेंस का, और फिर 24 से इसका इंटरव्यू होगा जनवरी में, और अप्रैल तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा।
ओके, CDPO जो पुराना है और जो BPSC का अभी लेटेस्ट आ रहा है, मतलब कि ये अभी 67वां का, तो वो साथ साथ ही ऑलमोस्ट चलेगा। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर का देख लीजिएगा आप लोग, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का देख लीजिए, ऑडिट ऑफिसर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ये सब देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए एक अच्छा न्यू निकल कर आ रहा है कि BPSC बहुत ही अपडेटेड हो गया है, पूरा कैलेंडर एकदम जारी कर दिया UPSC की तरह। अभी डिमांड भी हो रहा था कि जैसे BRSS निकाला उसे निकाल दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और आप अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल बना लें, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेटजी का वीडियो डाला हुआ है, टाइम टेबल का, कौन सा बुक फॉलो करें सब डाला हुआ है, और SPD एक करंट अफेयर्स, यूटेरिया करंट अफेयर्स सब डाला हुआ है, आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करें। और देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग UPSC BPSC एक्सेट्रा एग्जामिनेशन। एंड आप लोग तैयारी में लग जाएं, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ये ऑल द बेस्ट है। एंड बाय बाय दोस्तों, एंड चैनल पे बने रहें, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें, थोड़ा सपोर्ट करें। एंड चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऑल द बेस्ट। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों।